नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल और आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, अमेज़न का एक फेमस डिवाइस आता है जिसका नाम है अमेज़न फायर टीवी स्टिक। और इस डिवाइस की खास बात यह है कि आप इसको अगर नॉर्मल एलईडी टीवी में लगाते हैं तो आपकी नॉर्मल एलईडी टीवी लगभग वाईफाई एलईडी टीवी में चेंज हो जाएगी। आप इसमें चाहें तो यूट्यूब प्ले कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, वीडियो सॉन्ग्स, यानी कि काफ़ी सारे आप इसमें अपने एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। और इसके साथ वॉइस रिमोट आपको मिल जाता है कि यानी कि जस्ट आपको माइक वाला बटन प्रेस करके रखना है और साथ में आप जिस भी मूवी का नाम बोलेंगे वो मूवी आपके सामने आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप इस डिवाइस को अपने लिए खरीदें या फिर ना खरीदें, लेकिन आपको हर डिवाइस की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड के घर पर अमेज़न फायर टीवी स्टिक लगा होगा तो शायद उसको भी कंप्लीट फंक्शन नहीं पता होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर पता चल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने 3 दिन तक इस डिवाइस को यूज किया, उसके बाद मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो। इसके अलावा आप एलईडी में उसको लगाकर सेटअप किस तरह से कर सकते हैं और हम इसको ट्राई भी करके देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से इसका वॉइस कंट्रोल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस डिवाइस को अपने लिए मंगवाना चाहें तो देखिए, सबसे पहले तो आपके घर पर एलईडी टीवी लगा होना चाहिए, चाहे वाईफाई वाली हो या फिर नॉर्मल एलईडी टीवी हो। सेकेंड, आपके घर पर अनलिमिटेड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप इसका अच्छे से यूज़ कर पाएं। आप चाहें तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी इसको कनेक्ट करके वहां से भी अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली इंटरनेट पर डिपेंड है। इसमें आप स्टोर वगैरह करके कुछ भी मूवीज़ या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देख सकते। थर्ड, द बेस्ट है कि अगर आप अमेज़न के प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए द बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो स्पेशली अमेज़न प्राइम है वो इंक्लूड किया गया है। अगर आपके पास पहले से मेंबरशिप है तो आप इसमें ज़्यादा अच्छे से उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आप चाहें तो बाद में भी अपनी अमेज़न प्राइम मेंबरशिप जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसमें जियो सिनेमा वगैरह काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन इस डिवाइस को अपने लिए परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अमेज़न के इस फेमस डिवाइस फायर टीवी स्टिक की, और देखते हैं हमें बॉक्स में कौन कौन सी एक्सेसरी मिलती है। फ्रेंड्स, काफ़ी प्यारी पैकिंग इसकी की गई है, देखिए इस टाइप की पैकिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको एक एक एक्सेसरी बताने वाला हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक यूज़र मैनुअल जिस पर इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी होंगी कि रिमोट का कौन सा की वगैरह क्या वर्क करता है, ये आप पढ़ना चाहें तो अपना पढ़ सकते हैं। 2 सेल मिल जाते हैं, इन पर अमेज़न लिखा हुआ है, तो ये 2 मिले हैं हमें सेल। इसके अलावा हमें बॉक्स में मिला है एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्यारा सा रिमोट, जिसका साइज़ देख सकते हैं आप, लगभग हाथ के जितना ये रिमोट है, और काफ़ी प्यारी लुक इसकी बनाई गई है। मैं इसको पैकेट में से ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सेफ्टी के लिए अंदर एक और फिल्म दी गई है, हम इसको भी हटा देते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप बाद में इसको कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आपने इस कवर को ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सेल लगा देता हूँ करेक्ट पोजीशन में। दोनों सेल आपको इसी पोजीशन में लगाने होंगे, ये हमारे सेल इसमें डल चुके हैं, तो हम इसको ध्यान से कर देते हैं। अब हमारा रिमोट बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम देखते हैं और हमें इसमें क्या एक्सेसरी मिलती है। और फ्रेंड्स, ये रही हमारी मेन यूनिट अमेज़न फायर टीवी स्टिक। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए काफ़ी अच्छे से रैप किया गया पेपर से, और इसके बैक साइड पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि आप इसको सिर्फ ओरिजिनल अडेप्टर के साथ ही यूज़ करें, कोई भी और अडेप्टर ना यूज़ करें ताकि आपको इसकी लॉन्ग लाइफ मिल जाए। और फ्रेंड्स, अब हम इसको इस पैकिंग में से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको अमेज़न देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ, और फ्रेंड्स ये HDMI तो है ही, और यहाँ पर इसके पावर लगाने की जगह दी गई है, और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है HDMI। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इसके सीरियल नंबर वगैरह बैकग्राउंड पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। फिलहाल फ्रेंड्स, हमने पैकिंग में से 3 चीज़ें निकाली हैं, हमारी मेन यूनिट अमेज़न फायर टीवी स्टिक, हमारा 2 सेल, एंड जो कि हम इस रिमोट में डाल चुके हैं, रिमोट हमारा तैयार है, हमें एक यूज़र मैनुअल मिल गया है, इसके अलावा इसका ये बॉक्स, और अब फ्रेंड्स हम इसमें से निकाल रहे हैं इसका पावर अडेप्टर। तो ये फ्रेंड्स जो पावर अडेप्टर है, इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अमेज़न का लोगो दिया गया है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स वायर की क्वालिटी कैसी है जो इसके साथ में आपको मिली है। तो फ्रेंड्स, एक हमें इसमें मिली है USB वायर, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे कि आप पावर दे पाएंगे इस अमेज़न फायर टीवी स्टिक को। इसको आपने यहाँ पर अटैच कर देना है ताकि इसको पावर मिल पाए,
और फ्रेंड्स इसको आपने अटैच करना होगा इस पावर अडेप्टर से ताकि इसको पावर मिले। अब फ्रेंड्स हमारी ये अमेजन फायर टीवी स्टिक डिवाइस तैयार है। अब फ्रेंड्स हमने इस फायर टीवी स्टिक को एलईडी में एचडीएमआई पोर्ट में लगा देना है और इस अडेप्टर को पावर सप्लाई में लगा देना है ताकि इस फायर टीवी स्टिक को पावर मिल पाए। फ्रेंड्स अब हमारे इस बॉक्स में सिर्फ एक एक्सेसरी और बची हुई है, HDMI एक्सटेंडर। यानी कि फ्रेंड्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लीजिए जहाँ पर आपके HDMI का पोर्ट है आपकी LED में वहाँ पर कोई वॉल से स्पेस वगैरह कम हो तो वहाँ पर आप इस एक्सटेंडर को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने इसको लगा देना होगा LED के पीछे ताकि आप आसानी से कभी भी इसको निकाल पाएँ दोबारा से या लगा पाएँ फायर टीवी स्टिक को। मान लीजिए आपके घर पर दो LED हैं तो कभी आप चाहें कि दूसरी LED पर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक में ये लगा कर रख सकते हैं एक्सटेंडर। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो फायर टीवी स्टिक डिवाइस है उसको आपने इसके पीछे लगा देना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि अमेजन फायर टीवी स्टिक की अगर मैं बात करूँ, अगर चाहे वो मेन डिवाइस हो या फिर जितनी भी एक्सेसरी इस डिवाइस के साथ में आई है, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो सुपर्ब है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमेजन की तरफ से इसकी क्वालिटी दी गई है। अब हम इसको प्रॉपरली LED पर लगा कर टेस्ट करते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये डिवाइस जो है वो वर्क करता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस अमेजन फायर टीवी स्टिक को LED में लगाने का तरीका। ये है मेरे रूम की LED। अब हम इसमें HDMI पोर्ट में मैंने पहले से एक्सटेंडर को लगा दिया है और इसमें अब हम लगाएंगे इस फायर टीवी स्टिक डिवाइस को। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको अपने अमेजन अकाउंट से ऑर्डर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अमेजन अकाउंट से लिंक होके आएगा। यानी कि इसमें आपको अलग से कोई भी अपना यूजर नेम ID वगैरह भरकर कोई भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। फिलहाल फ्रेंड्स मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही LED के साथ अटैच कर रहा हूँ और जो भी फंक्शन आएंगे सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको अपनी LED से कनेक्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो इसके साथ इसका पावर अडेप्टर आया है उसमें आपको जो मोबाइल चार्जिंग जैसा पोर्ट दिख जाएगा उसको आपने इस फायर टीवी स्टिक से अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने जहाँ पर भी आपके LED में HDMI पोर्ट दिया गया हो वहाँ पर आप एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं या फिर सीधा भी इसमें HDMI पोर्ट दिया गया है आप इसको सीधा भी LED से अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसको आसानी से यूज़ कर पाएँ इसलिए मैंने पहले HDMI एक्सटेंडर को जोड़ दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं देखिए यहाँ पर इस HDMI पोर्ट में इस फायर टीवी स्टिक को लगा दूंगा। अब फ्रेंड्स हमने इसको देनी होगी पावर सप्लाई तो मैं इसको किसी भी प्लग में लगाकर इसकी पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ ताकि इस फायर टीवी स्टिक को जो पावर है वो मिल पाए। फ्रेंड्स मैंने फायर टीवी स्टिक को HDMI पोर्ट में लगाकर और इसकी पावर सप्लाई ऑन करके LED के साथ इसको अटैच कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए मेरे पास दो रिमोट हैं, एक है LED का रिमोट और सेकंड है इस फायर टीवी स्टिक का रिमोट। सबसे पहले हम LED की जो पावर है वो ऑन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसको HDMI पोर्ट में लगाया था तो सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जब आप इस डिवाइस को अपनी LED के साथ अटैच करेंगे तो आपको इसका सेटअप कंप्लीट करना होगा ताकि बाद में आप इसको आसानी से यूज़ कर पाएं। सबसे पहले देखिए आपको इस मार्क वाला यहाँ पर अपने इस फायर टीवी स्टिक के रिमोट में एक मार्क वाला बटन दिख जाएगा, आपने इस बटन को टच करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं इसको टच कर देता हूँ, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्ले एंड पाउस वाले बटन का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि हर वो यहाँ पर बटन मार्क आपके सामने आ जाएगा कि अब आपने फायर टीवी स्टिक का कौन सा बटन प्रेस करना है। तो हम इसका सेम यही वाला बटन जो है वो रिमोट से प्रेस कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी कि आप इस अमेजन फायर टीवी स्टिक के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो। देखिए हिंदी का तो इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया। तो जैसे कि हम इस ऑप्शन पर इस येलो वाली लाइन को ले आए हैं। और मैं आपको इसके रिमोट की एक और खास बात बताना चाहूँगा, आपको जरूरी नहीं कि फायर टीवी स्टिक की तरफ करके इस रिमोट को यूज़ करना है। जैसे कि फिलहाल ये मेरा रिमोट देखिए कैमरे की तरफ है और मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा आ गया है स्कैनिंग फॉर नेटवर्क, यानी कि जो भी फायर टीवी स्टिक यानी कि सर्च करेगा कि कोई नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो मोबाइल पर इंटरनेट ऑन करके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके भी उससे भी फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मेरे घर पर वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है तो जितने भी वाईफाई के यानी कि वायरलेस कनेक्शन होंगे वो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये पहला मेरा वाईफाई डिवाइस का आ गया है यहाँ पर ऑप्शन, और इस पर कोई भी लॉग वगैरह नहीं बना हुआ है यानी कि ये ओपन वाईफाई है। सेकेंड ये भी मेरे घर पर लगे हुए एक वाईफाई का कनेक्शन है, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए लॉक बना हुआ है यानी कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो भी कोई पासवर्ड आपने लगाया होगा तो वो पासवर्ड आपको इसमें भरना होगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब फ्रेंड्स आपको यहां पर पासवर्ड भर देना है, जो भी आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड लगाया हो। फ्रेंड्स जो मेरे वाईफाई का पासवर्ड था वो मैंने यहां पर पासवर्ड भर दिया है। इसके बाद आपने कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और ओके पर टच कर देना है। इसके फ्रेंड्स देखिए जो ये सर्कल वाला बटन है इसमें रिमोट में, ये है इसका ओके का बटन। अब ये मेरे वाईफाई से जो अमेज़न फायर टीवी स्टिक है वो कनेक्ट हो रहा है। देखिए लिखा गया कनेक्टिंग टू नेटवर्क, यानी कि कनेक्ट होने के लिए ट्राई कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें लिखा आ गया है चेकिंग फॉर अपडेट्स। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अमेज़न की तरफ से ये डिवाइस काफ़ी टाइम पहले पैक कर दिया गया हो बनाकर, तो अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो ये नेटवर्क पर सबसे पहले चेक करेगा कि कहीं फायर टीवी स्टिक का कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ, और उसके बाद अगर अपडेट आया होगा तो उसमें वही ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अगर आप इसको अपने ही अमेज़न अकाउंट से ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए अगर आप फायर टीवी स्टिक को अपने लिए ऑर्डर करेंगे अमेज़न से, तो आप देखिए डेफिनेटली अपने ही उसको अकाउंट से मंगवाएं ताकि आपके अकाउंट से लिंक हो, आपको कोई भी बाद में इसमें माथापच्ची ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसको अपने ही अकाउंट से ऑर्डर किया था तो यहां पर लिखा आ गया है पहले से ही, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम इसका सेटअप कर रहा था तो जैसा कि अमेज़न ने प्रॉमिस किया था कि ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से लिंक होकर आया है पहले से ही, तो वही चीज है सेम। यहां पर लिखा हुआ है हाय हर्ष बंसल, योर अमेज़न फायर टीवी स्टिक इज रजिस्टर्ड टू हर्ष बंसल, डू यू वॉन्ट टू यूज दिस अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है, क्या आप इसी अकाउंट को यूज करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर टच कर दूंगा। अगर आपको ये अमेज़न फायर टीवी स्टिक कोई गिफ्ट में मिला है या फिर किसी अनदर अकाउंट से आपने इसको मंगवा लिया है तो आपको यहाँ पर चेंज माई अकाउंट पर टच करना होगा। तो फ्रेंड्स वहां पर आपको दोबारा से अपना यूजर नेम पासवर्ड भर देना होगा अमेज़न अकाउंट का, फिर भी आप इसको यूज कर पाएंगे। खैर मैंने पहले से इसको अपने अकाउंट से ही मंगवाया है तो मैं यहाँ पर ओके पर टच कर दूंगा, यस कंटिन्यू एज हर्ष बंसल, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन लिखा आ गया है सेव वाईफाई पासवर्ड टू अमेज़न, यानी कि जो भी आपने अपना वाईफाई का पासवर्ड लगाया था क्या उसको आप अमेज़न फायर टीवी स्टिक में सेव करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स ये 100% सिक्योर है, आप अपने वाईफाई यानी कि जो भी पासवर्ड है उसको इसमें सेव कर सकते हैं, तो मैं यस पर टच कर दूंगा ताकि आपको बार बार इसमें पासवर्ड वगैरह ना भरना पड़े। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आप चाहें तो यहां पर अपना कोई पेरेंट्स कंट्रोल वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि सिर्फ किड्स के लिए कुछ प्ले करना चाहें, अदरवाइज नो पेरेंट्स कंट्रोल वाला जो ऑप्शन है मैं अपने लिए सिलेक्ट कर रहा हूं। आप चाहें तो दोबारा इसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर भी इस ऑप्शन को चेंज कर पाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहां पर इसकी फर्स्ट स्क्रीन प्ले हो गई है, मैं भी इसके कुछ रूल फॉलो करता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी अमेज़न की तरफ से इसमें प्री इंस्टॉल कोई वीडियो आया होगा वो प्ले हो जाएगा, कुछ सेकंड का वीडियो है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, यानी कि इसमें फायर टीवी स्टिक की एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी गई है कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिल जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए बड़ी ही आसानी से फायर टीवी स्टिक का जो सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आप मैन्युअली तो इसमें जो भी चाहें प्ले कर ही सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि वॉइस कंट्रोल इसमें कितनी अच्छी तरह से वर्क करता है, यानी कि जो भी आप रिमोट में बोलेंगे वही आपकी एलईडी पर प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम रिमोट में वॉइस से सर्च करके देखते हैं हिंदी मूवीज, तो मैं इसमें ये बटन प्रेस करके आपको रखना होगा माइक वाला, और जो भी फिर आप इसमें सर्च करना चाहते हैं वो आपको बोलना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें मैं बोलने वाला हूँ बटन को दबाकर हिंदी मूवीज। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट इसका मिला है। देखिए जैसे ही हमने इस माइक वाले बटन को दबाकर रखा और बोला हिंदी मूवीज़, तो आपके सामने हिंदी मूवीज़ ओपन हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आप जो भी मूवी चाहें बड़ी ही आसानी से, खैर हम देखते हैं किसी मूवी के नेम से इसको सर्च करके देखते हैं कि वो इसमें हमें मूवी मिलती है या फिर नहीं। मिसिंग, तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें एक मूवी सर्च की मिसिंग, और इसमें वही मिसिंग मूवी हमारे सामने आ गई है। बाद में आपने जस्ट ओके वाला बटन प्रेस करके उस मूवी को प्ले कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप बड़ी ही आसानी से फायर टीवी स्टिक डिवाइस को एलईडी के साथ अटैच करके यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मिस्टर ग्रोथ चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और फ्रेंड्स हम जल्द मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।